सो टिकटॉक जो है बैन हो चुका है। आज मीटिंग है जैसा कि मैंने कहा, होपफुली कम बैक हो जाए। वही दीज ग्लव्स पैकेट्स आर एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे, वी आर ट्विनिंग कलर कॉम्बिनेशन। कितने का है जीजा जी? 800 रुपए का ग्लव्स आता है। ओ माय गॉड, और सबसे बड़ी चीज क्या हो गई इस बार की? बड़ी दी के हाथ के साइज का ग्लव्स आ गया है, बड़ा वाला ग्लव्स नहीं आता। कोई बात नहीं, हम लोगों को मीडियम साइज लेना होगा। अच्छा, ओ तो मतलब मीडियम मतलब हम लोग हल्क है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज में। सो यो अभी किधर कस कार का चाबी लेने का और चलने का, इन लोगों को ड्रॉप करके आने का। यो और मैं ऐसे ही जा रहा हूँ अपने घर वाले गेटअप में, क्योंकि हम तो कार से भी बाहर नहीं निकलते। अरे ये क्या किया, घर से बाहर निकल गया, मास्क नहीं पहना। तो अभी मम्मी ने बोला कि पहले दायां पैर रखो, तो मैंने क्या किया, गेस करो, ना दायां ना बायां रखा, फिर भी बाहर निकला कैसे, सिंपल जंप करके। एनीवेज वेलकम बैक टू कोमल को बोली थी बंजी भाई। कोमल इज हमारी बड़ी दीदी का नाम। जितने भी लोग वहां पर कोमलता से इस व्लॉग को देख रहे हैं, आप सब लोग कोमल हैं। हा हा हा, चलिए लेट्स गो। And once again, what a joke! नहीं, it's a soundproof. Yeah, you got it right. अच्छा, Bye. P1. ये वाला joke इतना hilarious था ना कि मैं क्या बोलूँ। गाड़ी की सफाई सख्त आवश्यक है। लाइट ऑन करो बाबा, पीछे वहीं पे है जी आपके ऊपर। ये देखो लिखा कहाँ पे, ये तो ये सीट सैनिटाइज हो रहा है इसलिए, क्योंकि कल यहाँ पर जो हम लोग क्या रखे थे उसको हिंदी में क्या बोले थे जीजा जी? डाब। जी हाँ, डाब रखे थे। तो अब ये सफाई इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी दी अपना तशरीफ रखने। चलो बाबा चले। यो तो ये बड़ी दीदी और जीजा जी निकल गए और हम जो है हम भी वापस जा रहे हैं। सुबह सुबह उठ के जो है मैंने अपना एडिट कंप्लीट कर लिया और आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू पोस्ट सम पिक्चर अपना रामेश्वरम ट्रिप का। बड़ी दी के साथ मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर मिला गैलरी में, मैं ढूंढ रहा था, बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अभी तक मैंने नहीं ढूंढा। एनीवेज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडर्स इन योर लाइफ बाय इग्नोरिंग नेगेटिविटी एंड बाय एक्सेप्टिंग पॉजिटिविटी एंड बाय बीइंग थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ। अभी हम गाड़ी घुमा रहे हैं तो जरा हम गाड़ी घुमा ले उसके बाद मिलते हैं जी, ठीक है जी। तो चलिए अभी सीधा घर में ही मिलते हैं। या जी हाँ, आज आलमंड्स के साथ ये दो कैडबरीज आपको दिख रहा है। दिस इज डेरी मिल्क सिल्क कैडबरी। ओ माय गॉड, वेरी नाइसली रिटर्न। तो ये मैंने श्रेष्ठा से जो है कर्ज लिया है। 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ जी हाँ, क्योंकि तकरीबन आई थिंक 10:30 या 11:15 के आसपास आई हैड ये व्हाट इज़ दैट गिलॉय जूस एंड नीम रस, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है। तो जब मैं काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने श्रेष्ठा को बोला तो उसने मुझे हल्दीराम दिया जो कि मैंने खा के ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी मुझे मैं उससे चाय मांग रहा था तो बनाना शेक वॉज अ बेटर ऑप्शन। और अभी तक जीजा जी और बड़े दिन नहीं आए हैं क्योंकि अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बाकी है। द स्कैनिंग इज़ गॉट डन, ओके
तो 1:50 PM हो रहा है एंड आई एम प्रीमियरिंग माई व्लॉग। एक्चुअली अभी क्या होता है, ये जो प्रीमियर करते हैं ना, तो इसमें इसमें जो कैलेंडर में मैंने जो डेट जो है ना, मैंने जुलाई 30th दे दिया था। ओह माई गॉड, आई मेड सच अ ब्लंडर। मतलब आज का व्लॉग 30 जुलाई को आने वाला था। चलो कोई बात नहीं, जी होता है इच्छे के लिए होता है, लेकिन हमें ध्यान में आ गया, ईश्वर का लाखों लाख शुक्रिया अदा। इस वक्त ये लाइव नहीं है, लेकिन आप जब ये देख रहे हैं तो ये लाइव हो चुका है। यही जिंदगी है, यहाँ क्या वहाँ क्या, और वहाँ क्या और वहाँ क्या, वहाँ क्या वहाँ क्या वहाँ क्या वहाँ क्या वहाँ क्या। गाइज आई एम जस्ट, ये देख रहे हैं जितना भी आपको ब्लू मार्क्स दिख रहा है, तो ये सारा जगह है जो कि यू नो कॉपीराइट क्लेम हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे देखते देखते सॉन्ग बाय आतिफ असलम का वो वीडियो था, इस वीडियो में वो था, इसलिए जो है ऐसा कॉपीराइट होता है। सो दिस इज़ अ क्लिप वेयर वी आर गोइंग शिरडी, मतलब साईं बाबा के पास। सो दैट वॉज द टाइम वेन यू नो श्रेष्ठा बस पीछे से बैठ के वो वीडियो शूट करती थी, और यू नो इस तरीके से। हालांकि श्रेष्ठा तो अभी भी करती है और करेगी जब भी हम लोग कहीं भी ट्रैवल करने जाएंगे, बट उस टाइम मैं व्लॉगिंग एज सच मैं कुछ बातचीत नहीं करता था। दैट वॉज जस्ट यू नो इनिशियल, एंड एक्चुअली दिस वॉज नॉट प्रिपेयर्ड ऑल्सो कि मुझे व्लॉग ही करना है। ये वीडियोज़ को मैंने कोलैब करके एडिट करके एक पोस्ट कर दिया, बट स्टिल मुंबई टू शिरडी, प्लीज़ चेक इट आउट। अभी मैंने नया उसमें बस ऑडियो कुछ भी नहीं है, सीनिक व्यूज हैं और बस, एंड दैट मिल्क शेक वॉज ब्रिलियंट, चॉकलेट आलमंड बनाना मिल्क शेक। मुंबई टू शिरडी रोड ट्रिप वंस अगेन करना है, लेट द लॉकडाउन गो। सो 2:48 PM इट इज, ऑलमोस्ट ऑल वीडियोज मतलब P1 हाँ, द वीडियोज विच वेर नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग मोनेटाइज्ड दोज स्टफ हो चुका है। अभी फिर भी 4-5 वीडियोज बाकी है, सो आई विल बी रिटर्निंग बैक एंड आई विल बी डूइंग इट अगेन। And yes, as usual, 3-4 घंटे उधर लगे जाते हैं हॉस्पिटल में, so I'm just going to collect them up. Yo. तो basically बादल सामने बहुत भयंकर है। मैंने प्लान किया था कि मैं भी जीजा जी के साथ जाऊंगा, वही वो रोड क्रॉस करके उस पर गए वो नोबल प्लस ग्लव्स लाने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि छोटे साइज़ का आ गया, मतलब बड़ी दिखे यूज़ में आने वाला है वो, हमारा हाथ जो है थोड़ा हल्क वाला है, मतलब शायद लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज वॉट एवर इट विल बी। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि मैंने एक हंसने का नया तरीका आजकल डिस्कवर किया है, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हंसते हैं हमने देखा, स्पेशली जो लोग थोड़े फैट होते हैं, ये दोनों कंधा वाला जो चीज़ है ना वो ऐसे हिलता है वो, और वो हंसते हैं, हम भी हंस रहे हैं। जीजा जी लग रहा है कि आज थोड़ा काफ़ी लंबे लाइन में उलझ गए, कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है। अभी एक ऐड आ रहा था रेडियो नशा पे कि मतलब सारे बिजनेस वाले लोग यही शेयर कर रहे हैं कि 3 महीने से कस्टमर नहीं आ रहे हैं दुकान पर, बिल्डर्स बोल रहे हैं कि 180 फ्लैट्स बना हुआ है कोई खरीद नहीं रहा है, मतलब जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, जो छोटे छोटे लेवल पे हैं, हर किसी लोग के साथ यही मतलब पूरा वर्ल्ड जो है इसी चीज़ से जूझ रहा है। इनफैक्ट अब जैसा कि देखा आप सब लोगों को मालूम ही है कि अक्षय कुमार जी का लक्ष्मी बॉम्ब, आलिया भट्ट का सड़क 2, और भी कितने सारे मूवीज़, अभिषेक बच्चन जी का, सारे लोग का मूवीज़ भी अब हॉटस्टार पे ही रिलीज़ हो रहा है, तो सब लोग जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, इनफैक्ट मूवीज़ भी जो है उसमें भी जो है कंपैरेटिवली थोड़ा कम ही मतलब कमाई होने वाला है, क्योंकि आई थिंक हॉटस्टार जो है वो आई एम हैविंग डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, एक ऑक्सीमीटर लेना ही होगा, हालांकि जीजा जी ने ऑर्डर कर दिया है बाय द वे। तो यस कंपैरेटिवली, क्योंकि जिस तरीके से 100 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 800 करोड़ तो ज़्यादा कोई मूवी नहीं कमाई, लेकिन जिस तरीके से 100 करोड़ बहुत सारी मूवीज़ क्रॉस कर जाती थी, वो इसलिए क्योंकि थिएटर्स में जो है 1,000 रुपये भी टिकट्स का दाम होता था, कहीं कहीं हर थिएटर अलग अलग चार्ज करता था 1,500 रुपये, इंसिग्निया वगैरह 1,600, 2,500 ऐसा भी चार्जेस होता है,
और लेकिन हॉटस्टार में क्या अभी सबके लिए फिक्स है कि आपको 399 का VIP मेंबर लेना है और साल भर का सब्सक्रिप्शन, और उसमें आप पूरे साल भर मूवीज देख सकते हैं। तो कंपैरेटिवली सबको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान नहीं हो रहा, ये नुकसान जो है सिर्फ आपके दिमागी सोच में है। हम उसी बात को फिर से बोलेंगे, जब तक आप ईश्वर की कृपा से खाना खा पा रहे हैं, कपड़े पहन पा रहे हैं, छत में रह पा रहे हैं, आपसे खुश नसीब कोई नहीं है, और हमें ईश्वर ने जितना कुछ भी दिया है इधर मुंबई में हमारे साथ सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल है। जी जी जी, कितने लेट करेंगे देखती हैं। लार्ज एक्सेल नहीं आता है, एक्सेल आता ही नहीं, मतलब लार्ज हम लोग वाला है। वो दो फाइल दो, वो भी रख। तुम पूछ रहे हो? तो ये नहीं आता है, ये भी 800 का ही आता है, सबका प्राइस सेम ही होता है। तो जी हाँ, दो दिन में 1600 रुपए का क्या ग्लव्स, सही है बाबा, बहुत सही, बहुत सही बाबा, बहुत सही, बहुत सही। तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लेवल के हैं उन लोगों को जो है नवंबर तक, मतलब मोदी जी इज मेंटली प्रिपेयर्ड कि नवंबर तक जो है लॉकडाउन जो है वो एंड नहीं हो रहा है, तो नवंबर तक सारे जो बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं उनको जो है अन्न जो है वो फ्री में प्रदान किया जाएगा, विच विल कॉस्ट ओनली 90,000 करोड़ रुपये। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और अभी मैं देखा कि फेसबुक में एक म्यूज़िक का एक सेक्शन आ गया है, जिस तरीके से आप फोटोज़ ऐड करते हैं उसी तरीके से म्यूज़िक को भी आप ऐड कर सकते हैं, और ऑल माय सॉन्ग्स आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, नाइस, वाया स्पॉटिफाई, दैट्स अ कूल थिंग। एंड यस, माय एडिट एंड ऑल दो स्टफ इज गोइंग ऑन, एंड यस, टिकटॉक गेटिंग बैंड, नॉट गेटिंग बैंड, ऑलरेडी गॉट बैन। मैंने टिकटॉक ऑफिशियल का एक पोस्ट पढ़ा कि वो लोग जो है आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ जो है मीटिंग करने वाले हैं, ट्विटर पे मैंने उनका ट्वीट देखा, लेट्स सी क्या होता है। तो नाउ द थिंग इज कि तकरीबन 5:15 बज रहा है, मैं जो है इस समय 5 से 6 के बीच में जो है मैं गेम खेलता हूँ, मोटो जीपी मैंने पहले ही खेल लिया, बाय द वे मोटो जीपी कुछ दिन से काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो अभी मुझे रिकॉर्डिंग करना होता है उसका, और अभी कैप्चर कार्ड लिया नहीं है एज आई हैव मेंशनड इट, और ये जो है गड़ 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 गड़, इसमें भी मैं साई ढूंढ रहा हूँ, तो 3 मिनट अभी भी बाकी है, तो 3 मिनट हमें जल्दी हो जा रही है बाबा, जल्दी हो जा रहे हैं। 2 मिनट्स, 2 मिनट तो हालांकि चुटकी में चला जाएगा, तब तक हम जो है कैमरा सेटअप कर लेते हैं। जी हाँ, सो ऑलराइट गाइस, आज का गेम जो है पहली बार 1 घंटे का सेशन हुआ, एक लेवल है जहाँ पे मैं स्टक हो गया हूँ, बड़े से डायनासोर से मैं नहीं लड़ पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, विल बी कीप ऑन रीट्राइंग यू नो वट एवर, एंड टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ माई लाइफ आई विल बी रीट्राइंग, एंड यस नाउ आई एम रीट्राइंग अनदर थिंग विच इज़ लाइक माई रियाज, आपको गिटार दिख रहा होगा, तो रियाज एंड रिकॉर्डिंग, एंड ऑल्सो टिकटॉक जो है बैन हो चुका है, आज मीटिंग है जैसा कि मैंने कहा, होपफुली कम बैक हो जाए। वही मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नो क्या भेदभाव रखना यार, एक सरहद कि मेरा है या तेरा है, उनको लद्दाख चाहिए, हम सब अगर एक ही हो जाएं तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वही जो मेरा तेरा कर रहे हैं वो क्या हमेशा रहने वाले हैं, हम आप जो स्पेशली ऐसी चीज़ों के लिए लड़ते हैं जो कि जो क्षण भंगुर है, जो नश्वर है, लेकिन आई रियली होप कि ऐसा सोच पूरे विश्व का हो, हम सब लोग एक बन के रहें, रदर देन कि हम लड़ें अपने ही मानव जात
यू नो जितने सारे सोल्जर्स शहीद हुए, व्हाट टू से, नो मोर, कांट से मच, होप सब कुछ नॉर्मल हो जाए और ये जो वॉर है वो सच में ख़त्म हो जाए, यही प्रार्थना रहेगी। और व्हाट आई कैन डू एज एन इंडिविजुअल और एज अ ह्यूमन बीइंग फॉर यू नो फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड इज जस्ट ओनली प्रेयर्स। सो ऑलराइट गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग। सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड महीने का पहला तारीख, 1st of July, बुधवार, 14:21 PM, यानी 2:21 PM हो रहा है। एंड द टेम्परेचर इज 31 डिग्री सेल्सियस। इट्स हेज। सो यस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग। तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, इग्नोर नेगेटिविटी, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ, हैव अ ड्रीम, कीप ऑन चेजिंग इट, कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि जो कुछ भी आपको आपके जिंदगी में चाहिए कि आप उस चीज़ को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं या से नो, अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाइए आप हर रोज सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं कि आप उस जगह तक पहुँचने के लिए आज सच में डिजर्विंग है, कीप ऑन क्वेश्चनिंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल शो यू योर एग्जिस्टेंस and it will also motivate you to work more hard. So agar aap deserving nahi hai to work hard like hell and turn into that deserving person. Trust me that you will be turning a deserving person. God will truly give you whatever you will be deserving for, kyunki ishwar hame wahi deta hai jo hum sach mein deserve karte hain, na isse zyada na isse kam. To bas hame jo hai khud ko yogi banana hai, mehnat karna hai, khushiyan baantna hai, pyar baantna hai, bure soch se duri banaiye, apne andar ki buraiyon se ladiye, khud ko ek behtar insaan banaiye jitna ho sake, खुद को एक बेहतर बेहतर मार्ग की ओर ले जाइए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए जितना हो सके, लोगों को मदद कीजिए, ज़िंदगी काफ़ी छोटी है, अपने अंदर के विकार को दूर कीजिए, भेदभाव, नफरत, घृणा, हिंसा, यू नो ऐसे विकारों से, सबसे अच्छा मार्ग जो है वो प्रेम का है, सबसे बड़ा पुण्य जो है वो प्रेम है, और सबसे बड़ा पाप जो है वो यू नो नफ़रत, द्वेष, घृणा, प्रतिशोध, ऐसी चीज़ें से खुद को दूर रखिए। एंड यस, अंत में तो हम सब लोगों को एक दिन मिलना ही है, एक ही मार्ग है। तो यस, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड इन हैशटैग श्रेया शांडिल्या लाइव। टाटा। बाय द वे, श्रेया शांडिल्या लाइव 9 बजे रोज सुना करें एवं अपना राय लिखा करें, और अगर आपको कोई आपका कोई गाना है जो आपको सुनना है तो आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट बिकॉज आई एम जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग माई सेल्फ। सो यस, आई विल मेक एन एफर्ट। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी, ठीक है जी।